अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। हमारी जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की बुक है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल थी। फर्स्ट पार्ट जो था वो खेलों की अहमियत और एक अच्छे खिलाड़ी के औसाफ से मुतल्लिक था, जिसमें सिर्फ दो क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद इसकी दो गेम्स थी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, और तीन इसके एथलेटिक इवेंट्स थे। उसके बाद इसका लास्ट पोर्शन जो था वो जिस्मानी जाने सेहत, तमाम सिस्टम्स, मशरूबात और इब्ज़ाई तबी इमदाद के ऊपर था। ये तमाम टॉपिक मैंने आपको जो हैं वो पढ़ा दिए हैं, क्योंकि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की जो बुक है, स्पेशली जो सेकेंड ईयर की है, वो बहुत ही मुख्तसर सी है। इसमें बहुत लेंथी जो हैं वो चैप्टर्स नहीं हैं, इसलिए आपकी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो पढ़ाना जो है वो शुरू करती हूँ, क्योंकि आपकी जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की बुक है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, और जो पेपर है उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी पोर्शंस की सूरत में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन आएंगे, सेकंड जो गेम्स वाला है या एथलेटिक इवेंट्स वाला है उसमें 24 मार्क्स के आएंगे, 24 फर्स्ट वाले में से, और इसी तरह जो लास्ट पोर्शन है उसके भी अलग से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज़ की अगर बात की जाए तो टोटल 17 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो लिहाजा आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। तो आइए आज हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, खेलों की अहमियत और अच्छे खिलाड़ी के औसाफ, इसके बारे में मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसके खेलों के फायदे और अहमियत के बारे में बता देती हूँ कि इसकी अहमियत क्या है और मौजूदा दौर में जो है वो खेलों को किस तरह से अपनाया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ पढ़ाना शुरू करूँगी। तो खेल जो है इसकी अहमियत को हर ज़माने में तस्लीम किया गया है। जहाँ ज़िंदगी चलवागर हुई वहाँ खेल भी किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। तमाम मज़हब दुनिया में बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं वो किसी ना किसी खेल में ज़रूर दिलचस्पी लेते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ होता है तो वो अपनी टांगें और बाजू जो हैं वो आगे पीछे मारता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको बीमार और सुस्त जो है वो समझा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देती हूँ कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो अपने जिस्म को मज़बूत बनाने के लिए और ख़ूबसूरत बनाने के लिए खेल खेलते थे, ताकि वो किसी जानवर का आसानी के साथ शिकार ना हो सकें। आजकल खेल की अहमियत जो है वो कई लिहाज से और भी अहमियत इख्तियार कर गई है। ये जो दौर है वो मशीनी है,
ज़्यादातर काम जो है वो मशीनें ही करती हैं। जैसे कि पहले ज़माने में लोग जो थे, अगर घरों के कामों की बात करते हैं, तो पहले ज़माने में जो लोग थे वो कपड़े हाथ से धोते थे। हाथ से जो है वो आटा गूंथते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, इवन कि अपना हर काम जो है वो खुद करते थे, अपने हाथों से करते थे। अगर खेतों की बात की जाती है तो खेतों में हल चलाना जो है वो भी जो है वो इंसान खुद ही करते थे। आजकल जो है वो इंसान की जगह जो है मशीनरी ने ले ली है, यानी कि कपड़े धोने वाली मशीनें भी आ गई, सिलाई करने वाली मशीनें भी आ गई, कढ़ाई वाली मशीनें भी आ गई। अगर खेतों की बात की जाती है, काश्तकारी की बात की जाती है, तो पहले इंसान जो बैलों की मदद से हल चलाया करते थे, उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली, ठीक है। और भी मज़ीद जो है वो जदीद मशीनें जो हैं वो आ गई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर काम जो है वो मशीनें ही करती हैं, और इंसान जो है उसके पास जो है वो काफ़ी वक्त बच जाता है, और वो ज़ाहिर है अगर काम करता भी है, उनको हैंडल करता भी है, तो वो बैठ के करता है, यानी उसकी जिस्मानी मशक्क़त बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि इन मशीनों को चलाने के लिए जिस्म से ज़्यादा जहन का काम जो है वो बढ़ गया है, तो जब जहन का काम ज़्यादा होगा अगर और जहन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसके साथ साथ जो टेंशन है वो भी ज़्यादा होगी, जो हमारा नर्व सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा, और लोगों की सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए खेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खेल खेलने से जो है वो असाबो असलात मजबूत होते हैं और बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ टेंशन जो है वो भी दूर होती है। खेल का जो मैदान होते हैं वो करदार साजी की बेहतरीन तरबियत का ही होती हैं। कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनमें जो खेल के मैदान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। साइंसी तौर में खेलों की अहमियत को देखते हुए हर स्कूल और कॉलेज में खेल के मैदान बनाए जाते हैं। तलबा खेल के मैदान में जो कुछ हासिल करते हैं वो आम जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको जो है वो दो डेफिनेशंस बताती हूँ, मिस्टर गेटसिम्प की और मिस्टर बुचर की। मिस्टर गेटसिम्थ जो हैं वो कहते हैं कि खेल खुशी, इत्मीनान, मसरत और सुकून हासिल करने का नाम है, और मिस्टर बुचर जो हैं वो कहते हैं कि खेल एक फितरी सरगर्मी है, यानी कि ये हमारी फितरत में शामिल है, जिससे खुशी, इत्मीनान और सुकून मुयस्सर होता है। उसके बाद जो है वो खेलों की अफादियत और अहमियत को उजागर करने के लिए कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें जिस्मानी नशोनुमा आती है, ज़हनी नशोनुमा आएगी, ठीक है, जिस्मानी नशोनुमा, इखलाकी नशोनुमा, रूहानी नशोनुमा, और फारग वक्त का सही इस्तेमाल है, बेहतरीन कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं, और कामती नकायस जो हैं वो इससे दूर होते हैं, और जो है बीमारियों से बचाव का ये ज़रिया है, माशरती मसाइल का हल है, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा होता है, वक्त का पाबंद होता है, और जो है बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद पैदा होता है, इससे समाजी तअल्लुक़ात बढ़ते हैं, परेशानियों का ख़ात्मा होता है। हाँ जी, फ़िज़िकल एजुकेशन जहाँ पर हमें गेम्स सिखाती है, वहीं पर जो है ये हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचने का ज़रिया भी ये होती हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त में हमारे इजाफे का बायस बनती हैं, माशरती मसाइल का जो हल होता है उसका भी ये जो है सही और मुनासिब हल जो है वो निकालती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव का बायस भी बनती हैं, परेशानियों से हमें जो है वो निजात दिलाती हैं,
और एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जो फ़र्द है वो बनाते हैं। मैंने आपको जो है वो खेलों की अहमियत और अफादियत के बारे में थोड़ा सा बताया है और एक अच्छे खिलाड़ी को साफ भी बताए हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि उन क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो माशरे में अहम मुकाम जो है वो हासिल कर सके। एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वही एक स्पोर्ट्समैन होता है और अच्छे खिलाड़ी में स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा तभी होगा जब वो वक्त का पाबंद होगा, अच्छा उसका किरदार होगा, खुद एतमाद होगा, खुश इखलाक होगा और खेलों की जितनी भी जदीद टेक्निक्स हैं उनसे वो आगाह होगा, शाइस्तगी का जज्बा उसमें होना चाहिए, कवानीन का एहतराम उसे आना जो है वो लाजिम है। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी के औसाफ़ हैं। एक अच्छा खिलाड़ी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना खेल के मैदान में ना ही अपनी आम जिंदगी में, जब तक वो इन तमाम कवानीन को फॉलो नहीं करता। अब अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए रिवाइज करवाया है ताकि आपको एमसीक्यू समझने में आसानी हो। मिस्टर शेलर और कैस्टर के मुताबिक खेल किस चीज़ का ज़रिया है? फाजल कुवत के इखराज का, खुशी का, गमी का या कामती नकायस को दूर करने का? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कि फाजल कुवत के इखराज का ज़रिया है। मिस्टर शेलर और कैस्टर के मुताबिक खेल जो है वो फाजल कुवत के इखराज का ज़रिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके चार ऑप्शन भी आ सकते हैं। नंबर दो पर है कि हम खेल खुशी और इत्मीनान की खातिर खेलते हैं, ये डेफिनेशन किसकी है? मिस्टर गेटसिम्थ की। ये अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन है वो बताई थी। उसके बाद है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अफराद जो हैं वो किसी ना किसी तरह हिस्सा लेते हैं। किस चीज़ में? बुराइयों में, खेल में, शराब नोशी में या जुआ खेलने में? तो इसका सही आंसर है खेल में। यानी कि मैंने अभी आपको ये बताया भी है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अफराद किसी ना किसी तरह खेल में हिस्सा लेते हैं। एक फ़र्द अपनी कुदरती सलाहियतों को कहाँ उजागर करेगा और मुल्क और कौम का नाम रोशन करता है? तालीम में, आवारागर्दी में, खेलों में, दौलत हासिल करने में? सही आंसर इसका ये है कि खेलों में एक फ़र्द जो है वो अपनी कुदरती सलाहियतों को उजागर करता है। एक खिलाड़ी को कहाँ सुकून और इत्मीनान हासिल होता है? वीसीआर देखने में, आराम करने में, लड़ाई झगड़े से या फिर खेल खेलने से? तो इसका जो सही आंसर है वो है खेल खेलने से। एक खिलाड़ी कहाँ सुकून हासिल करता है? खेल खेलने से। मैं आपको फिर ये बता दूं कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पेपर में 17 एमसीक्यूज़ आएंगे। कितने एमसीक्यूज़? 17। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसलिए एमसीक्यूज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। किसी टीम या इज्तमाई खेल में रीढ़ की हड्डी का काम देती है? इनफरादी खेल, अपनी इज्जत की खातिर खेलना, टीम स्पिरिट या खिलाड़ी में लड़ाई करना? जो खिलाड़ी है वो खेल में लड़ाई करता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। एक जो टीम है या इज्तमाई खेल में रीढ़ की हड्डी का काम देती है। खेल की बदौलत अफराद किसको भूल जाते हैं? बच्चों को, वालिदैन को, कारोबार को या परेशानियों को? तो इसका राइट आंसर है कि परेशानियों को। खेल एक फितरी सरगर्मी है और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही खेल खेला जाता है तो अफराद जो होते हैं वक्ती तौर पर उस टेंशन से निकल आते हैं, उनका सारा ध्यान जो है वो खेल की जानब लग जाता है और उन्हें जो परेशानी होती है वो उस परेशानी को भूल जाते हैं और सब कुछ भुलाकर वो खेल की तरफ लग जाते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि खेल के बदौलत अफराद जो हैं वो परेशानियों को भूल जाते हैं। खेल के दौरान कौन सी सलाहियतें फतह का सबब बनती हैं?
क्या आदती सलाहियतें, इनफरादी सलाहियतें, कोचिंग की सलाहियतें यानी कि कोच की कोचिंग से या गुस्से से खेलना। तो खेल के दौरान जो है वो कौन सी सलाहियतें फतह का सबब बनती हैं, इसका राइट आंसर है क्या आदती सलाहियतें यानी कि एक लीडरशिप का जो जज्बा होता है वो खेल में फतह का बाइस बन सकता है। और लीडरशिप क्या है, लीडरशिप ये है कि ना सिर्फ खुद खेला जाए बल्कि टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी खेलने का मौका दिया जाए, उनकी बेहतरीन क्यादत की जाए, उनको सही और गलत की पहचान करवाई जाए, तमाम रूल्स रेगुलेशन जो हैं उनको फॉलो किया जाए, ना सिर्फ खुद उस पर अमल करें बल्कि अपने बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी इस पर अमल करवाए। तो हम फिर कह सकेंगे कि खेल के दौरान जो है क्यादती सलाहियतें जो होती हैं, लीडरशिप का जो जज्बा होता है वो फतह का सबब बनता है। खेल के मैदान में हर खिलाड़ी को रहना होगा मुस्तैद, सुस्त, दूसरों के नुक्स निकालने वाला या दूसरों की बात ना मानना। तो खेल के मैदान में हर खिलाड़ी को मुस्तैद रहना होगा। खेल से क्या होता है, बीमार, सुस्त, बेहतर जिस्मानी नशोनुमा, लाचार। तो खेल से बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा होती है, ठीक है। इसका सही आंसर है कि खेल अगर खेलते हैं तो इससे जो है वो बेहतरीन तरीके से हमारी जिस्मानी सलाहियतें उजागर होती हैं और बेहतर तरीके से जिस्मानी नशोनुमा होती है। कुदरती सलाहियतें उजागर होती हैं किससे, खेल से, दौलत से, आपस के झगड़ों से, नशा करने से। तो कुदरती सलाहियतें उजागर होती हैं खेल से, किस तरह, अब खेल से किस तरह से कुदरती सलाहियतें उजागर होंगी। अगर मैं क्लास में आपसे सुनती तो मैं आपसे क्वेश्चन करती और पूरी क्लास को इसमें जो है वो इन्वॉल्व करती। तो यहाँ पर मैं खुद ही इसका आंसर जो है आप देती हूँ कि कुदरती सलाहियतें इस तरह से उजागर होंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है। क्रिकेट के मैच में जो बॉलर है उसने बॉल करवाई है और जो बैट्समैन है वो उसको खेलेगा। अब जो बॉलर है उसने बॉल करवाई है और वो अपना पूरा ध्यान, ठीक है, उस के खेलने पर लगाएगा कि वो बॉल को कहाँ से खेलता है, किस तरह से खेलता है और इस तरह की बॉल दे बैट्समैन को कि वो जो है उसको कैच कर सके। तो वो हर वक्त जो है वो अपनी ज़हनी सलाहियतें जो है इसमें इस्तेमाल करता रहता है, अपना जहन जो है वो इसमें इस्तेमाल करता है। या फिर वो ये जो बॉलर होता है ये सोचता है कि मैं कहाँ पर जो है बॉल करवाऊँगा और कहाँ पर जो है वो मैं इसको जो है वो आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह सोचने से, समझने से वो जो कुदरती सलाहियतें होती हैं वो उजागर होती हैं। वो किससे होती हैं, या उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, खेल से होते हैं, दौलत से, आपस के झगड़ों से, नशा करने से। तो खेल से जो हैं वो कुदरती सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं, ये इसका जो है वो सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद है क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है किससे, खेल में हिस्सा लेने से, खेल में हिस्सा ना लेने से, टेलीविज़न देखने से या कारोबार करने से। ज़ाहिर है बाकी जितने भी ऑप्शन हैं कि खेल में हिस्सा नहीं लेते तो ज़ाहिर है से क़ुव्वत मुदाफ़त तो नहीं बढ़ेगी, या टेलीविज़न अगर देखते रहते हैं तो इसका तो नुकसान ही होगा ना, कि देखते कि एक तो हमारी आइज पर असर पड़ेगा, दूसरा क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी, मुसलसल बैठ के टीवी देख रहे हैं। या फिर कारोबार करने से, अरे कारोबार भी एक ठीक होती है, उसमें भी आपकी बल्कि जो है सारी ताकत लग रही होती है, एनर्जी ज़ाया हो रही होती है, आप काम कर रहे होते हैं। और तो खेल खेलने से जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त, किस तरह आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिवेलप होता है, आपके जितने भी इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। जब वो बेहतर तरीके से काम करेंगे,
स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमारी बॉडी में जो है वो जब अच्छे तरीके से काम करता है तो कुव्वत मुदाफ़त जो है उसमें इजाफ़ा होता है। तो ये किस तरह हुआ, खेल में हिस्सा लेने से, ठीक है। एक अच्छे खिलाड़ी को होना चाहिए ईमानदार होना चाहिए, झूठा, शिकायती या बीमार। एक अच्छे खिलाड़ी को जो है वो ईमानदार होना चाहिए, इसका राइट आंसर है। एक अच्छा खिलाड़ी खुश तबीयत होता है, यानी कि उसकी जो तबीयत होती है वो उसमें खुश मिजाजी, उसे आप कह सकते हैं, वो होती है। वो हर एक से अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से पेश आता है। एक अच्छे खिलाड़ी का होना जो है वो ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, उसका अच्छा चाल चलन होना चाहिए। अच्छे चाल चलन से मुराद ये है वो सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, ना सिर्फ अपनी टीम के साथ बल्कि मुखालिफ टीम के साथ भी जो है उसे अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी शिकस्त को कबूल करता है फराख दिली से, तंग दिली से, लड़ाई झगड़े से या नाराज़गी से। एक अच्छा खिलाड़ी अगर हार भी जाता है तो वो फराख दिली से इसको जो है वो कबूल करता है। दोस्त के MCQs रह गए हैं, ये मैं आपको पढ़ा के शॉर्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। मौजूदा दौर में जो है वो असाबी तनाव, जहनी परेशानियों और दूसरी बीमारियों से बचाव का वाहिद ज़रिया जिस्मानी खेल ही हैं। आजकल इंसान किस चीज़ का शिकार है, गुर्बत का, माशी इस्तेहसाल का, जहनी परेशानियों का, एक दूसरे से मोहब्बत का। तो आज का जो दौर है आप उसे कह लें कि वो है ही परेशानियों का दौर, ठीक है। तो उसमें जो है किस चीज़ का इंसान शिकार होगा, जहनी परेशानी का। मैंने पहले भी बताया कि जदीद मशीनें आ गई हैं, इंसान जो है वो ज़्यादातर काम मशीनों से लेता है और उसके पास काफ़ी फारिग वक्त बच जाता है और वो फिर फारिग अवकात में जो है वो यही सोचता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह दूसरे से आगे बढ़ना है, किस तरह मैं ये जो है दूसरे बंदे को ज़ेर कर सकता हूँ, यानी कि इस तरह की नेगेटिविटी जो है वो लेके आता है अपने माइंड में। तो जब वो इन बातों की तरफ जाता है तो जाहिर है वो परेशानियों में घिरता चला जाता है, या वैसे भी उसे कोई कुदरती तौर पर कोई आफात आ जाती हैं, इस तरह की परेशानियाँ भी हो सकती हैं। तो जो है वो आजकल का जो इंसान है वो ज़्यादातर परेशानियों का शिकार, यानी कि ज़हनी परेशानियों का शिकार, ज़हन को इन्वॉल्व करता है ना उसमें, उसका शिकार रहता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको खेलों की अफादियत और अहमियत के बारे में बताया और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट MCQs जो हैं इसके, वो मैंने आपको जो है बताए और साथ साथ मैं आपको इसकी डिटेल भी बताती रही। अब इंशाल्लाह हम कल मुख्तसर जवाब जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।